लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। मामूली विवाद में एक युवक ने अपराधी प्रवृत्ति के दूसरे युवक की पिटाई कर उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया। अपने भाई के गाड़ी के कांच फोड़ने से नाराज एक युवक ने अपराधी की डंडे से पिटाई करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मृतक के भाई को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी का नाम इंदिरा माता नगर परिसर निवासी रियासत नजाकत अली बताया गया, जबकि मृतक का नाम कपिल नगर निवासी साबिर रज्जाक शेख और जख्मी युवक उसका भाई जाबिर रज्जाक शेख बताया गया। जाबिर का मेयो में इलाज जारी है। मामला यशोधरा नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार साबिर आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ चोरी और हत्या के प्रयास जैसे मामले भी है। रियासत अलमारी बनवाने का काम करता था। गत रात साबिर शेख और उसके भाई जाबिर शेख के साथ इंदिरा माता नगर में ही शराब के नशे में झगड़ा कर रहा था। इस दौरान उनके दो अन्य भाई उन्हें आपस में झगड़ा करने से रोक रहे थे। इस झगड़े में साबिर और जाबिर ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो पर एक ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर दी। दोनों वाहनों के कांच तोड़ दिए। इनमें ऑटो रिक्शा रियासत के भाई का था। अपने भाई के ऑटो रिक्शा की तोड़फोड़ से उसका पारा चढ़ गया। उसने एक डंडा लेकर साबिर और जाबिर की पिटाई शुरू कर दी। दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई। रियासत मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में पड़े साबिर और जाबिर को लोगों ने इलाज के लिए मेयो ले गए। डॉक्टर ने जाबिर को मेडिकल ले जाने को कहा और साबिर को अपने यहाँ भर्ती कर लिया। मेडिकल पर पहुँचने पर जाबिर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची, हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करने लगी। शुक्रवार शाम रियासत को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच जारी है। कल रात को 8:30 बजे के दरमियान इंदिरा माता नगर में शांति बौद्ध विहार के पास में एक रिकॉर्डेड आरोपी साबिर रज्जाक शेख नाम का, वो और उसका भाई जाबिर शेख ये आपस में हाथापाई कर रहे थे। वहाँ पे उसके दोनों भाई, दूसरे भी दोनों भाई आए थे और उन्होंने उसको समझाया था। उसमें आपस में झगड़ा चल रहा था। उस झगड़े के कारण में उन्होंने वहाँ पे जो खड़ा हुआ ऑटो था वो एक ऑटो को फोड़ डाला था। जो ऑटो को फोड़ डाला था वो आरोपी जो रियासत अली है उसके भाई का था, इसलिए उसके मन में गुस्सा आ गया हमारे भाई का ऑटो फोड़ा है करके, और उसने लाकड़ी डंडा लेके उसके साबिर के सर पे मार दिया। और बीच में जाबिर भी आया था, जाबिर को भी थोड़ा सा मार लगा है। इसमें साबिर की उपचार के दरमियान में मेडिकल हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और जाबिर के को जख्मी है, उसको इलाज करके उसको घर पर छोड़ा गया है। आरोपी एक ही है, रियासत अली एक ही है फिलहाल में। अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है, एक्चुअल क्या होगा। आरोपी का पिसा लिया जाएगा और आरोपी को उसके बाद में पता चल जाएगा कि क्या वजह थी और कैसा वारदात हो गई। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट, तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।